दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका फोन का जो डायल पैड है, जो दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपका फोन का जो डायल पैड है उस पर आपको आपका फोटो या फिर आप कोई भी फोटो कैसे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहते। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डायल पैड में अपना फोटो लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस वाले एप्लीकेशन का डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। दोस्तों इस वाले एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो प्ले स्टोर से भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। दोस्तों यहाँ पर टाइप करना है माई फोटो फोन डायलर। ठीक है दोस्तों, इस वाले एप्लीकेशन को आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको इस वाले ऐप को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा और इसे आपको स्किप करते हुए चला जाना है। दोस्तों उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको कर देना है ओके पर क्लिक, और उसके बाद यहाँ पर सारा परमिशन आपको ऑन कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं सारा परमिशन ऑन कर देता हूँ। दोस्तों सारा परमिशन देने के बाद आपको सिंपली से बैक कर जाना है, और दोस्तों बैक करने के बाद थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा। ठीक है, और दोस्तों लोडिंग लेने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए डायलर बोल का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कस्टम बैकग्राउंड हेयर, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर, और दोस्तों क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन यहाँ पर यहाँ से ओपन हो जाएगा, एक है बैकग्राउंड और एक है कीपैड इफेक्ट बोलकर। दोस्तों सिंपली से आपको क्लिक कर देना है बैकग्राउंड के ऊपर। उसके बाद दोस्तों आपको सीधा क्लिक कर देना है पीक इमेज वाले जो ऑप्शन है इस पर। ठीक है, और दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक पिक्चर आपको चूज कर लेना है। चलिए दोस्तों मैं एक पिक्चर दे देता हूँ। और दोस्तों एडजस्ट करने के बाद सीधा आपको क्लिक कर देना है अप्लाई वाले जो ऑप्शन है उस पर। उसके बाद दोस्तों आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली से बैक आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे डायल पैड में मेरा फोटो सेट हो चुका है और कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली से आपको बैक आ जाना है और ये डायल पैड यहाँ पर आपको सेट कर देना है। ठीक है, ये डायल पैड यहाँ से उठा लेना है और ये डायल पैड यहाँ से सेट कर देना है, और ये डायल पैड को आपका जो फ़ोन का जो डायल पैड है यहाँ पर आपको छुपा देना है। और दोस्तों डायल पैड में भी देख सकते हैं मेरा फोटो कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों ये ट्रिक आप भी अप्लाई कीजिए, और दोस्तों इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप प्ले स्टोर से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चले दोस्तों आज के लिए इतना ही।